बहना, मैं ये कहने आया था कि आप ना वो दूसरा कमरा भी ले लीजिए। जी हाँ, मैं और शीतल वहां उधर बैठक में सो जाएंगे। नहीं नहीं राघव भैया, हम यहाँ आराम से सो जाएंगे। आप और भाभी निश्चिंत होकर उस कमरे में सो जाइए। तुम्हारे मामा ने कभी अपने आप को इतना गरीब नहीं समझा बेटा, जितना आज समझ रहा है। अपनी बहन के परिवार को ठीक से सोने की जगह भी देने के काबिल नहीं है वो। ऐसा मत कहिए भैया, हम रो पड़ेंगे। आप जाइए, आराम कीजिए, हम अपने आप प्रबंध कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर सो जाइए। आप सो जाइए। माँ, हमने फैसला कर लिया है। क्या? कल हम नौकरी करने के लिए जाएंगे। ठाकुर ठाकुरान के हमारे यहाँ आने से पूरे शहर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। आज मोहल्ले में निकली ना, तो वो लोग भी ठाकुर साहब के बारे में सैकड़ों बातें करने लगे, जो लोग कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। बहना और उसके परिवार के बारे में मोहल्ले वालों को ज्यादा कुछ मत बतलाना। क्यों? क्योंकि भाई, अपना कुर्ता उठाओ तो अपना ही पेट नंगा होता है, समझी? और दूसरी बात, आज से तुम्हारा पत्नी धर्म पति की सेवा नहीं, बल्कि उसकी बहन और उसके परिवार की सेवा करना है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा जी, कि कल तक जो हम जिंदगी जी रहे थे वो सपना था, या आज ये जिंदगी ये सपना है? वो जिंदगी सपना नहीं थी स्वर्ण प्रकाश। हाँ पिताजी, ये सपना है, क्योंकि हमें भी आप स्वर्ण भवन वाले ठाकुर नहीं लग रहे। भैया, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब सो जाइए। ये ठीक कह रहा, इस समय हम वो ठाकुर नहीं हैं जो स्वर्ण भवन में रहता था। उस ठाकुर का परिवार कभी शहर की सड़कों पे नंगे पांव पैदल नहीं चला था, और सबसे बड़ी बात, उस ठाकुर के बेटे ने कभी नौकरी करने की बात नहीं की थी स्वर्ण प्रकाश। हालात को बदलना होगा, इन हालात को बनाने वाले भगवान को बदलना होगा। नमस्ते जी। किससे मिलना है? शीतल भाभी से मिलना है। कहिए, क्या काम था? जी, ये 1200 रुपए का राशन का बिल था। जी, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। वैसे आप शीतल भाभी जी से कहिएगा कि पैसों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक आध महीना नहीं भी देंगी तो भी चलेगा, आखिर हम शहर वासियों का भी कोई फर्ज बनता है ना, मुसीबत में आप लोगों की मदद करना। माँ, आपकी तरह हमें भी लग रहा था कि पिताजी को भैया का काम ढूंढने जाना बहुत तकलीफ दे रहा है, पर अब हमें लगता है कि जब पिताजी को ये एहसास होगा कि हमारे यहाँ आने से राघव मामा के खर्चे बढ़ गए हैं और हम उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे, तो शायद उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। अब बिना काम किए हमें खाना मिलने वाला नहीं है माँ। अगर ऐसी बात है तो नौकरी करने स्वर्ण प्रकाश नहीं, हम जाएंगे।